गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YouTube के इस डेरा टेक एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी और आज आप देख रहे हो बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 25। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज का नाम है लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स का बेसिक कवर कर लिया है, हमारी प्लेलिस्ट 1 में आप जाके चेक कर सकते हो। और एलजेब्रा के टोटल 9 से 10 वीडियोज हमने अपलोड किए हैं। ऑलमोस्ट आपका एलजेब्रा उसके अंदर कवर हो जाएगा और हमने कवर करवा दिया है आपको। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की और इस सीरीज के अंदर मैं आपको 150 क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा, वो भी क्लास 7, 6, 8, 9 और 10 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें आपके कवर हो जाएंगे और ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन करने की आइडियाज मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल टाइप 9 तक क्वेश्चन कवर कराऊंगा, मतलब लीनियर इक्वेशन के सारे तरह के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली समझ जाओगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है और इसमें आप मास्टर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो बनता है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए। डेफिनेटली वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 9 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके बाहर तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता और अगर आ भी जाएगा तो आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के रूल्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर बारी बारी से सारे क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर लीनियर इक्वेशन के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 रूल्स हैं। सबसे पहला जो रूल्स है वो आपको दिखा रहा है कि RHS इज इक्वल टू LHS, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लीनियर इक्वेशन में हमेशा बराबर होना ही चाहिए। रूल नंबर सेकेंड है वेरिएबल मस्ट बी ऑन लेफ्ट साइड। हमने एल्जेब्रा में वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या थे बताए थे, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और कॉन्स्टेंट हमेशा राइट साइड में ही होना चाहिए। आप चाहो तो लेफ्ट साइड राइट साइड कर सकते हो, मगर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखते हैं और कॉन्स्टेंट को राइट साइड में ही रखते हैं, ताकि एक यूनिवर्सल तरीका है इसको सॉल्व करने का। हर लोग, हर टीचर्स इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपको ये रूल आपके दिमाग में डाल देना है कि वेरिएबल लेफ्ट साइड में रखना है और कॉन्स्टेंट राइट साइड में रखना है। यहाँ पे ये जो 2x आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में है, तो ये तरीका बिल्कुल सही है। और ये देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में है, तो ये तरीका गलत है। फिर यहाँ पे देखो कि वेरिएबल लेफ्ट साइड में है, कॉन्स्टेंट राइट साइड में है, ये सही है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में है और वेरिएबल राइट साइड में है, तो ये गलत है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में होने चाहिए और कॉन्स्टेंट है वो हमेशा राइट हैंड साइड में ही होने चाहिए। अब बात करेंगे रूल्स ऑफ साइन ट्रांसफॉर्मेशन। इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में से अगर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आप किसी साइन को या मैथमेटिकल ऑपरेशन को चेंज करते हो, लेके जाते हो, कैरी करते हो, तो साइंस चेंज हो जाती है। जैसे मैं, ये हमारा इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है और ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में से अगर एडिशन को उस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा और डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये रूल याद रखना है। ये रूल हर जगह पे अप्लाई होगा। हम जब टाइप 9 क्वेश्चन करेंगे, टाइप 1, 2, 3 अप टू 9 तक करेंगे, तो आपको ये रूल बार बार देखने को, फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। और आखिरी क्वेश्चन है, हमने फ्रैक्शन में पढ़ाया था, आखिरी रूल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आता है आपके आंसर में तो उसको मिक्स में चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर बड़ा नंबर आता है तो आप उसको एज इट इज प्रॉपर में ही छोड़ दीजिए। अगर क्वेश्चन आंसर है आपका छोटा आ रहा है और इम्प्रॉपर है तो आप उसको मिक्स में चेंज कर दीजिए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप 1 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टाइप 1 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ।
पहले मैं थोड़ी स्पीड कम रखूंगा, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे आपको समझ में आता जाएगा मैं थोड़ी अपनी लिखने की तरह स्पीड थोड़ी है वो फास्ट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2m इज इक्वल टू 4। लीनियर इक्वेशन के अंदर हमेशा आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमेशा आप वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखें और कांस्टेंट को राइट साइड में। यहाँ पे कांस्टेंट है और इसको राइट साइड में होना चाहिए था, मगर 2 और m के बीच में कुछ नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि 2 और m के बीच में छोटा सा मल्टीप्लाई है। और रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो इस 2 को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 4/2 हो गया, 2 2 ज़ा 4, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन, -2m = 4। यहाँ पे माइनस है, इंटीजर की साइन को आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसको सिर्फ नीचे लेके जाना है आपको, तो m = क्या हो जाएगा, 4/-2। वेरिएबल के बाजू वाला जो नंबर होगा वही हमेशा नीचे जाएगा, याद रखना है आपको, m = 2 2 ज़ा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस समझना है, तो प्लस माइनस माइनस और ये 2 बच रहा है, ये आंसर -2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जगह नहीं बच रही यहाँ पे, मैं थर्ड इधर कर रहा हूँ। -2m = -4, दोनों साइड माइनस है, एक रूल आपको याद रखना है, इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस की साइन आती है तो आप इसको कट कर सकते हो, मैंने कट कर दिया, इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस की साइन आनी चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि आप एक साइड आ रही है और कट कर रहे हो, ये 2 नीचे जाएगा, m = 4/2, m = 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, m = 2 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन, 4 = 2m, ये रूल्स को तोड़ रहा है, मैंने बताया था कांस्टेंट हमेशा राइट साइड में आनी चाहिए, वेरिएबल लेफ्ट साइड में, इसको मैं घुमा दे रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इस क्वेश्चन को सुधार दिया, इसको सही कर दिया, वेरिएबल लेफ्ट साइड में कांस्टेंट राइट साइड में, ये 2 जाएगा नीचे, m = 4/2। आप बोल रहे हो कि सर आप वही के वही नंबर्स ले रहे हो और सॉल्व कर रहे हो, मैंने ये कोशिश की है कि आपको इस चार क्वेश्चन से पहला स्टेप सिखा दूं कि वेरिएबल के बाजू वाला नंबर होता है हमेशा राइट साइड में जाके डिवाइड में चला जाता है, और बस छोटे मोटे मैंने माइनस के साइन अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह पे लगाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी हम टाइप 2 क्वेश्चन करेंगे, होप सो टाइप 1 आपको समझ में आ गया है, टाइप 2 के अंदर आपको टाइप 1 की यूजेस लगेंगे, एप्लीकेशन लगेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 2 के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, देखो कैसे करना है, बहुत ही आसान है, 2m + 1 = 4 है तो मैं इस +1 को इधर लेके जाता हूँ, तो 2m = 4 - 1 हो गया। क्यों 1 हो गया, क्योंकि प्लस को उठा के इस साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट 2m = 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और ये 2 नीचे आ गया, m = 3/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। मैंने बताया था इम्प्रॉपर आता है तो इसको मिक्स में चेंज करना आपको कर लेना है। सेकेंड 2m - 1 = 4, इस 1 को मैं इधर लेके जाऊंगा राइट साइड में, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा राइट साइड में रहते हैं, तो 4 ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, 2m = 4 + 1 = 5, 2 नीचे आ गया, m = 5/2, वापस इसको मिक्स में लेके जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 + 1, ये आपका मिक्स में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, -2m + 1 = 4, मैं इस 1 को इधर शिफ्ट करता हूँ तो -2m = 4 - 1, -2m = 4 में से 3 1 गया तो 3 बचेगा, ये 2 नीचे चला गया, m = -3/2 हो जाएगा। आप -2 की साइन तो नीचे आने वाली थी, मगर आप उस साइन को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं
माइनस थ्री बाय टू लिखो, थ्री बाय माइनस टू लिखो या माइनस थ्री बाय टू लिखो, इन तीनों के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, तीनों की वैल्यू सेम ही मानी जाती है। अब साइन को ऊपर लिखो, नीचे लिखो या बीच में लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, माइनस टू एम माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर, शिफ्ट हो गया इधर, माइनस टू एम इज इक्वल टू माइनस फोर, ये माइनस में था, उधर आके प्लस में हो गया, माइनस टू एम इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दिमाग के अंदर इसका माइनस कर देना है। फोर में से वन गया तो थ्री, साइन बड़े की लगेगी, यहाँ पे बड़ा फोर था, फोर के आगे माइनस की साइन, तो ये माइनस हो गया। मैंने एक रूल सिखाया था, इज इक्वल टू के दोनों साइड, इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस की साइन होती है तो ये साइन कट हो जाती है। तो टू एम इज इक्वल टू थ्री, ये चला गया, m इज इक्वल टू थ्री बाय टू, वापस इसको मिक्स में लेके जाना है, इम्प्रॉपर है इसलिए। ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको टाइप टू समझ में आया है। अब टाइप टू, टाइप वन और टाइप टू दोनों आपको टाइप थ्री में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मगर मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बेसिक सिखा दूं, फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, यहाँ पे टू एम प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स। ये क्वेश्चन देख के आपको एलजेब्रा याद आने चाहिए, एलजेब्रा में सिखाया था कि ब्रैकेट के बाद इंटीजर होता है तो ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं। ये अंदर चला गया, टू एम हो गया, प्लस की साइन प्लस, और ये टू हो गया इधर, तो टू इंटू वन टू इज इक्वल टू सिक्स। वापस टाइप टू वाला क्वेश्चन आ गया इधर, इसको सॉल्व कराओ, तो टू एम इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू हो गया, टू एम इज इक्वल टू फोर हो गया, नीचे आ गया तो एम इज इक्वल टू फोर बाय टू, टू टू जा फोर, ये आंसर आपका टू हो गया। मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स, ये टू गया अंदर, माइनस टू एम हो गया, माइनस प्लस माइनस टू गया अंदर, टू वन जा टू इज इक्वल टू सिक्स। टाइप टू के हिसाब से ये गया इसके पीछे, तो माइनस टू एम इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू, माइनस टू एम इज इक्वल टू एट, ये टू गया नीचे, एम इज इक्वल टू एट बाय माइनस टू, टू फोर जा एट, एम इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस मान लेना है, प्लस माइनस माइनस फोर। कोशिश करते हैं, स्पेस कम है मगर मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री, माइनस टू, ये तो आपका आ जाएगा, मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, टू एम प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स। ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, इसको मैं आराम से करूंगा। पहले तो आप इस माइनस वन का हिसाब कर दीजिए, माइनस वन को इधर लेके आ जाइए, तो ये प्लस वन में हो जाएगा, एम प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन हो गया, राइट। अब तो आपको आ जाएगा एम प्लस वन इज इक्वल टू सेवन, इसको आप अंदर लेके जाइए, टू एम प्लस टू इज इक्वल टू सेवन। टाइप टू के हिसाब से ये सेवन जाएगा पीछे, टू एम इज इक्वल टू सेवन माइनस टू, टू एम इज इक्वल टू फाइव, नीचे चला गया, बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ, एम इज इक्वल टू फाइव बाय टू, टू कट तो नहीं होगा, ओडी वन है, इसको मिक्स में लेके जाना पड़ेगा, टू टू जा फोर प्लस वन। तो टाइप थ्री भी हमने कवर कर लिया है। टाइप थ्री के अंदर हमने देखा कि टाइप वन और टाइप टू का काफी एप्लीकेशन आ रहा है, हर एक स्टेप के अंदर, आखिरी स्टेप्स के अंदर टाइप वन यूज में आ रहा है और पहले दो स्टेप के अंदर टाइप टू यूज में आ रहा है। अभी हम टाइप फोर के अंदर टाइप वन टू और थ्री तीनों का यूज करेंगे। चलो शुरू करते हैं। टाइप फोर काफी आसान क्वेश्चन, बस क्रॉस कराना है और छोड़ देना है।
तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x बाय टू इज इक्वल टू 4/2। एक रूल याद रखना है, इज इक्वल टू के दोनों साइड नीचे के नंबर सेम आते हैं तो आप इनको कट कर सकते हो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड, 2/x इज इक्वल टू 4/2। मुझे किसी भी तरीके से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या कर देना है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस कैसे, आपको क्रॉस करा देना है, आमने सामने मल्टीप्लाई चले जाएंगे। तो 2 × 2 हो गया और यहाँ पे x × 4 हो गया। मैं रूल के हिसाब से वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, 4x = 4। ये टाइप वन के हिसाब से 4 जाएगा नीचे, x = 4/4 ये कट हो जाएंगे, x = 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, -4/3। -4/3 इज इक्वल टू x/9। मुझे किसी भी तरीके से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 9 जाएगा साइड और 3 जाएगा इस साइड। तो -4 × 9 इज इक्वल टू 3 × x। रूल के हिसाब से वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए। मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, 3 × x इज इक्वल टू 3x, 4 × 9 = 36। माइनस प्लस माइनस, टाइप वन के हिसाब से चला गया नीचे, x = -36/3। मुझे मालूम है 3 के टेबल में 36 आते हैं, कब आते हैं, 12 × 3 = 36। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब मैं कट करना कैसे होगा वो मैंने बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने आपको रिड्यूस वाले वीडियो में दिखा दिया है, अब नहीं आता है तो रिड्यूस वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए फिर इधर आइए। क्वेश्चन नंबर 4, -9/3 इज इक्वल टू -12/x। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये x क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई में भेज देना है। तो -9 × x इज इक्वल टू 3 × -12। -9x इज इक्वल टू 12 × 3 = 36, माइनस में हो गया। मैंने एक रूल सिखाया था, इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस की साइन हो तो ये कट हो जाती है। टाइप वन के हिसाब से 9 गया नीचे, x = 36/9। x = क्या हो जाएगा, ये 9/4। तो इस तरीके से हमने टाइप 4 भी कंप्लीट कर दिया है। अभी हम टाइप 5 के अंदर टाइप 1, 2, 3 और 4 चारों का यूज लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ऑलरेडी वीडियो 18 मिनट की हो चुकी है, हमें जल्दी करना होगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको बीच में पॉज ले लेना है। हो सकता है एक कप चाय ले लो आराम से और इस वीडियो को देखते रहो ताकि आपका चाय का भी एंजॉयमेंट होता रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते भी रहो। x + 1 = 2x - 1। ये थोड़ा सा चेंज है, हमने रूल सिखाया था वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में होने चाहिए, कांस्टेंट हमेशा राइट साइड में। तो यहाँ पे x है वो वेरिएबल है तो उसको मुझे लेफ्ट साइड में लेके जाना होगा, और 1 है वो कांस्टेंट है तो इसको मुझे राइट साइड में लेके जाना होगा। आपको एरो ध्यान रखने हैं, कौन सा नंबर किसके पीछे जा रहा है वो एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे x एज इट इज नीचे आ गया, मगर यहाँ से -2x आया है, यहाँ पे 2x था वो प्लस में था, इधर मैं चेंज करूंगा, इज इक्वल टू को क्रॉस करूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे -1 ऑलरेडी था और इसके पीछे यहाँ से +1 आ रहा है तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का प्लस ने क्रॉस किया माइनस इज इक्वल टू को तो माइनस में हो जाएगा। अब x - 2x - x होता है, कैसे -x हुआ मत पूछना, इंटीजर सिखाया है एक बार देख लो। -2 इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस की साइन आ रही है तो ये कट हो जाएगा, तो x = 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री, वेरिएबल लेफ्ट साइड में है तो ये फोर एक्स इधर आ जाएगा और माइनस वन इधर आ जाएगा थ्री के पीछे। अब देखो एग्जिस्टिंग यहाँ पे टू एक्स तो अपनी जगह पे ही है और यहाँ से माइनस फोर आ रहा है, वैसे भी माइनस थ्री अपनी जगह पे ही था और यहाँ से माइनस वन आ रहा है तो ये प्लस वन हो जाएगा। टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, फोर में से टू गया तो टू बचेगा, बड़े की साइन लगेगी, बड़ा यहाँ पे फोर है और फोर के आगे माइनस है इसलिए टू के आगे माइनस आ गया। वापस माइनस प्लस माइनस होता है, तीन में से एक गया तो दो बचेगा, दोनों में से बड़ा कौन है थ्री, थ्री के आगे माइनस की साइन इसीलिए ये माइनस की साइन। वापस एक रूल सिखाया था इज इक्वल टू के दोनों साइड बराबर की साइन हो, इज इक्वल टू की साइन हो, इज इक्वल टू के दोनों के साइड माइनस की साइन होती है तो कट कर सकते हो। टू एक्स इज इक्वल टू टू हो गया, टू गया नीचे, एक्स इज इक्वल टू टू बाय टू, वन वन कैसे आया, टू वन जा टू होता है इसलिए वन आया। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस टू वाई माइनस फोर, कॉन्स्टेंट एक साइड वेरिएबल एक साइड, माइनस टू इधर आ जाएगा और ये प्लस फोर इधर जाएंगे माइनस फोर के पीछे, तो माइनस टू अपनी जगह पे था, उधर से माइनस टू वाई आ रहा है तो वो प्लस में हो जाएगा और माइनस फोर अपनी जगह पे था, उधर से प्लस फोर आ रहा है तो ये माइनस फोर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस दो में से दो गया तो ये जीरो वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये माइनस एट हो जाएगा, मगर वाई इज इक्वल टू माइनस एट बाय जीरो। अब एक रूल सिखा दूं मैं आपको कि डिवीजन में कभी भी जीरो आता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, क्योंकि जीरो का टेबल नहीं होता और आप जीरो से इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर कोई भी इंटीजर हो उसके डिवीजन में अगर जीरो आ जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, याद रखना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन, यहाँ पे ब्रैकेट के आगे माइनस की साइन है इसलिए माइनस की साइन को अंदर लेके जाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस की साइन अंदर लेके जाएंगे तो ब्रैकेट के सारे एलिमेंट की साइन चेंज हो जाएगी। माइनस टू वाई यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था तो ये भी माइनस में हो गया इज इक्वल टू नाइन। टाइप टू के हिसाब से इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू नाइन प्लस फोर,